Not that Mr. Chips was boastful or conceited. इसमें हमने conceited का मीनिंग बताना है. Conceited कहा जाता है खुदपसंद या मगरूर. इसका राइट आंसर बनेगा प्रॉब. Mr. Chips has been ragged there a good deal. जो वर्ड रेग्ड है, रेग्ड कहा जाता है खराब खराब या खराबो खस्ता, नाकस नुक्स वाला या फटीचर. तो इसका राइट आंसर है टीज्ड. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वो है क्रेविंग. क्रेविंग कहा जाता है शदीद ख्वाहिश करना. इसका राइट आंसर है डिजायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड देयर वॉज दिस न्यू क्रेज फॉर बाइसाइकिलिंग. इसमें हमने जो वर्ड क्रेज है इसका मीनिंग बताना है. क्रेज कहा जाता है दीवाना बनाना या पागल करना. इसका राइट आंसर बनेगा, इसका सिनोनिम बनेगा ट्रेंड. एडवर्सिटी मीन्स, एडवर्सिटी कहा जाता है मुसीबत या बदकिस्मती. तो इसका राइट आंसर है हार्डशिप, या हम इसको ये भी कह सकते हैं अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन. इसका ऑपोजिट है गुड टाइम्स. द फॉक्स पास मीम्स. फॉक्स पास का क्या मतलब है? फॉक्स पास कहा जाता है गलत या नामुनासब अकदाम जो उठाए जाते हैं. तो इसका राइट आंसर है फॉल्स एंड इनकरेक्ट स्टेप. द सिनोनिम ऑफ कोरिगेंडम. कोरिगेंडम कहा जाता है जिसमें हम किसी किस्म की तरमीम कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं. इसका राइट आंसर है थिंग्स टू बी करेक्टेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसी. इसका राइट आंसर है बाय इटसेल्फ. मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड एसिमिलेट. एसिमिलेट कहा जाता है यकजान करना या ढाल लेना. इसका राइट आंसर बनेगा अब्सॉर्ब. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्ड है फ्लिम्जी मीन्स. फ्लिम्जी कहा जाता है नापायदार, नाजक या कम हसीयत वाला. इसका राइट आंसर है फ्रजाइल. फ्रजाइल जो वर्ड है इसका लफ्जी मतलब है बाआसानी टूट जाने वाला, यानी कि जो चीज बाआसानी टूट जाती है वो नापायदार ही होती है. तो फ्लिम्जी का जो राइट सिनोनिम होगा वो है फ्रजाइल. नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस मीन्स. एडवाइस हमें पता है नसीहत करने को कहते हैं. इसका राइट आंसर है गाइडेंस. द सिनोनिम ऑफ क्लाइंब. क्लाइंब कहा जाता है ऊपर चढ़ना. इसका राइट आंसर है एसेंड. जैसा कि हम मैथमेटिक्स में ये टू टर्म्स पढ़ते हैं एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो क्लाइंब यानी कि जब हम नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर पर जा रहे होते हैं, तो वो एसेंडिंग यानी कि क्लाइंब कर रहे होते हैं. और दूसरी कंडीशन में डिसेंडिंग यानी कि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर पर आ रहे होते हैं. नेक्स्ट वर्ड है डिटेस्टेबल. डिटेस्टेबल कहा जाता है काबले नफरत. इसका राइट आंसर बनेगा इन ऑप्शंस के मुताबिक एबहोरेंट. इसके अलावा हम डिजर्विंग या डिसलाइक भी इसका सिनोनिम ले सकते हैं. नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्ड है इन कैमरा मीन्स. इन कैमरा मीन्स इसका राइट आंसर है नॉट इन पब्लिक, या हम इसको इन प्राइवेट भी कह सकते हैं या सीक्रेटली भी कह सकते हैं. द सिनोनिम ऑफ ट्रांजिएंट. जो वर्ड ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट कहा जाता है जल्द गुजर जाने वाला. इसका राइट आंसर बनेगा फ्लीटिंग. फ्लीटिंग भी कहा जाता है जल्द गुजर जाने वाला. और इसका ऑपोजिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऑपोजिट है परमानेंट, परपिचुअल या कॉन्स्टेंट. द सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट. बेनिवोलेंट कहा जाता है मदद करने वाला या खैर ख्वाह. तो इसका राइट आंसर है
बेनिफिशियल, और इसका ऑपोजिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ऑपोजिट है एट्रोशियस या अनकम्पैशनेट। द सिनोनिम ऑफ लुरिड, जो वर्ड लुरिड है, लुरिड का मतलब होता है धुंधला, खौफनाक या भयानक, तो इसका राइट आंसर है गोरी। गोरे भी कहा जाता है, धुंधला, खौफनाक या भयानक, या इसको ग्लैरिंग भी कह सकते हैं। हेट्रोजीनियस मीन्स, हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, और जीनियस यानी के माखूज रखने वाला, मुख्तलिफ माखूज रखने वाले को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर है डाइवर्स। द सिनोनिम ऑफ गॉर्जियस, गॉर्जियस कहा जाता है आलीशान या बहुत बुलंद मर्तबे वाला, तो इसका राइट आंसर है मैग्निफिशेंट। द सिनोनिम ऑफ इंडाइट, इंडाइट का मतलब है लिखवाना या तसनीफ करना, तो इसका राइट आंसर बनेगा पुट इनटू राइटिंग। द राइटर वाज रेकलेस विथ मिजरी, हमने इसमें रेकलेस का मीनिंग बताना है। रेकलेस कहा जाता है बेफिकर, और जो वर्ड मिजरी है, मिजरी कहा जाता है गुर्बत या मुफलसी, और सेंटेंस का मतलब ये बनेगा जो राइटर है वो बेफिक्र है अपनी गुर्बत से या अपनी मुफलसी से, तो इस इन ऑप्शंस के मुताबिक इसका राइट आंसर है रैश, या हम केयरलेस भी कह सकते हैं। द ड्राइवर वाज रिलक्टेंट टू टेक अब्दुल्ला विद हिम, इसमें हमने रिलक्टेंट का मीनिंग बताना है। रिलक्टेंट कहा जाता है हिचकचाना, इसका राइट आंसर बनेगा हेजिटेंट। द सिनोनिम ऑफ हैम्पर, हैम्पर कहा जाता है रुकावट बनना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका राइट आंसर है इम्पीड, और इसका दूसरा वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इम्पीड भी कह सकते हैं और हिंडर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनीहिलेट, एनीहिलेट कहा जाता है सफाई हस्ती से मिटा देना, यानी कि बहुत ज्यादा कत्ल करना, इसका राइट आंसर है इफेस। द सिनोनिम ऑफ इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इन्फ्रिंज का मतलब है तोड़ना, तजावज करना या खिलाफ वर्जी करना, इसका राइट आंसर बनेगा वायोलेट। नेक्स्ट वर्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है इनस्पिड, इनस्पिड कहा जाता है फीका, बेजैका, बेजान या मुर्दा, इसका राइट आंसर बनेगा स्टूपिड, या इनस्पिड को हम टेस्टलेस भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड द सिनोनिम ऑफ रेसिंट, रेसिंट कहा जाता है मनसूख कर देना या कल अदम करार देना, इसका राइट आंसर है कैंसल। द नेक्स्ट वर्ड जो है द सिनोनिम ऑफ टैसिट, टैसिट कहा जाता है खामोश या चुपचाप, इसका राइट आंसर है साइलेंट। इंडस्ट्रियस मीन्स, इंडस्ट्रियस कहा जाता है मेहनती या सख्त मेहनत करने वाला, इसका सिनोनिम है डेलिजेंट, डेलिजेंट भी मेहनती को कहा जाता है, इसको हम सिनोनिम ये ले सकते हैं, डेलिजेंट भी ले सकते हैं एंड हार्ड वर्किंग भी ले सकते हैं। इसका ऑपोजिट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका ऑपोजिट है इंडोलेंट, इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करें एन इंडस्ट्रियस पीपल स्ट्राइविंग टू मेक देयर कंट्री प्रॉस्पेरस, इनके जो मेहनती लोग होते हैं, इंडस्ट्रियस लोग होते हैं, वो अपनी मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, जैसा कि आप इन डायग्राम से भी देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन द सिनोनिम ऑफ डिटू, डिटू कहा जाता है एक जैसा होना, तो इसका राइट आंसर बनेगा द सेम। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ एनीविरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनीविरेट कहा जाता है कमजोर हो जाना, वीकन हो जाना, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक शख्स जो है वो मेहनत कर करके एनीविरेट हो चुका है, यानी कि कमजोर हो चुका है।
द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम इज एम्बिगिशियस. एम्बिगिशियस कहा जाता है जो वाजे तौर पर नजर ना आए, यानी कि उसको हम धुंधला कह सकते हैं. तो इसका राइट आंसर बनेगा अनक्लियर. जैसा कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो हमें किसी की फेस दिखाई दे रहा है, अगरचा ऐसा नहीं है. यहाँ पे एक शख्स चल रहा है और उसके पीछे जो है बिल्डिंग है. द नेक्स्ट वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रोफी. कैटास्ट्रोफी कहा जाता है नागहानी आफत. इसका राइट आंसर बनेगा डिजास्टर. डिजास्टर जो है ये कई किस्म के हो सकते हैं. अर्थक्वेक की कंडीशन में हो सकता है, या फ्लड की सूरत में, या कोई और नेचुरल वे के जरिए से जो होगा उसे कैटास्ट्रोफी, और इसका सिनोनिम बनेगा डिजास्टर. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज इंग्रोस्ड. मीन्स कि हमने इंग्रोस्ड का मीनिंग बताना है. इंग्रोस्ड का राइट आंसर है, इंग्रोस्ड कहा जाता है महव ख्याल, जिनके किसी के ख्याल में खो जाना. इसका राइट आंसर बनेगा अब्सॉर्ब. जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दो बच्चे जो हैं ये इंग्रोस्ड हुए हुए हैं अपनी किताब के अंदर. इनके पीछे हालांकि भूत वगैरह हैं तो उनका इन पे किसी किस्म का कोई असर नहीं है. यानी कि ये महव ख्याल हो चुके हैं, इंग्रोस्ड हो चुके हैं, यानी कि अब्सॉर्ब हो चुके हैं. द सिनोनिम ऑफ अडेयर. अडेयर कहा जाता है चिमट जाना. तो इसका राइट आंसर बनेगा स्टिक. नेक्स्ट वर्ड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द सिनोनिम ऑफ इनफिनिटेसिमल. इनफिनिटेसिमल कहा जाता है एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि बहुत छोटा. इसका राइट आंसर इन ऑप्शंस के मुताबिक बनेगा मिनिस्क्यूल. और इनफिनिटेसिमल का सिनोनिम जो है ये माइक्रो भी बन सकता है, यानी कि MICRO. मैक्रो छोटे को कहते हैं, अगर MAC वाला होगा तो मैक्रो जो है ये बड़े को कहा जाता है. द नेक्स्ट वर्ड इज द रेडियंट. मीन्स रेडियंट कहा जाता है चमकदार या रोशन. इसका राइट आंसर बनेगा ग्लोइंग. इसके सारे ऑप्शन क्लोज हैं लेकिन इसका जो नियरेस्ट सिनोनिम है वो है ग्लोइंग. नेक्स्ट वर्ड द सिनोनिम ऑफ डिवेलिश. डिवेलिश कहा जाता है शैतानी, शैतानी या शैतानी काम. इसका सिनोनिम बनेगा स्टैनिक. स्टैनिक भी शैतानी को कहा जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डिवेलिश टॉर्चर कर रहा है एक लेडी पे. नेक्स्ट वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है द सिनोनिम ऑफ चिकी. चिकी कहा जाता है जुरातमंद, और इसका सिनोनिम बनेगा इम्प्रूडेंट. द नेक्स्ट वर्ड इज रिबेट. रिबेट मीन्स रिबेट कहा जाता है कम करना. ये उस वक्त की कंडीशन है जब हम बाजार से कोई चीज़ परचेज करने के चलाती हैं तो उस वक्त जो हम उनसे रिबेट करवाते हैं, यानी कि पैसों में कमी करवाते हैं, उसको रिबेट कहा जाता है. इसका राइट आंसर बनेगा डिस्काउंट. द सिनोनिम ऑफ नॉन चैलेंज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन चैलेंज कहा जाता है सब्र से या ठंडे दिल से या ठंडे दिलो दिमाग से काम करने वाला. तो इसका राइट आंसर बनेगा डिस्पैशनेट, या हम इसे कॉम भी कह सकते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज जेस्ट. जेस्ट कहा जाता है जोशीला. तो इसका राइट आंसर बनेगा ग्रेट इंजॉयमेंट. इसके लिए हम एंथोसीइज्म का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. द सिनोनिम ऑफ रैनकोर. रैनकोर कहा जाता है तलखी, बददिली, दुश्मनी या नफरत वगैरह को. तो इसका राइट आंसर बनेगा रिजेंटमेंट. रिजेंटमेंट भी कहा जाता है गुस्से वगैरह को, या हद तक का एहसास या खफकी वगैरह. इसको हम मजीद हैट्रिड भी कह सकते हैं. द सिनोनिम ऑफ सिट्रीनियस. सिट्रीनियस कहा जाता है बहुत सख्त मेहनत करने वाले को, हार्ड. ये भी इसका सिनोनिम बन सकता है. और इसके अलावा इन ऑप्शन के मुताबिक इसका राइट आंसर बनेगा स्ट्रॉन्ग. द नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल. वेरी इंपॉर्टेंट. डेट्रीमेंटल कहते हैं नुकसानदा या नुकसान पहुंचाने वाला. इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि सिनोनिम बनेगा हार्मफुल. द नेक्स्ट सिनोनिम जो है वो है वर्ड बिविल्डर. बिविल्डर कहा जाता है हक्का बक्का करना या परेशान करना.
इसका राइट आंसर बनेगा कंफ्यूज, या हम इसे कह सकते हैं वेरी पजल्ड. ही सॉ द बिविल्डर्ड लुक ऑन माई फेस. द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो इज एकुमुलेट मीन्स. एकुमुलेट कहा जाता है इकट्ठा करना, तो इसका राइट आंसर बनेगा कलेक्ट. अ मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड अ फील्ड आर पार्ट ऑफ अ गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज ग्रोज. इसका राइट आंसर है ऑर्चर्ड, यानी कि ऑर्चर्ड को बगीचा भी कहा जाता है और यहाँ पे जो होते हैं फ्रूट ट्रीज ग्रो होते हैं. नर्सरी का हमें पता है जहाँ पे जो प्लांट हैं ये ग्रो किए जाते हैं ताकि नेक्स्ट फॉर सेल पर्पस के लिए. और जो यार्ड है ये इम्पोर्टेंट है, यार्ड कहा जाता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट को. हमें इस बात का पता है कि 1 yard इज इक्वल टू 3 feet. ये पेपर में पूछा जा चुका है कि 1 yard इज इक्वल टू कितने फीट होता है, 3 feet होता है, या हम कह सकते हैं 36 inches. नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल इन रैंक मेरिट और क्वालिटी. इनके जिसका रैंक भी बराबर हो, मेरिट भी एक जैसा हो, या क्वालिटीज भी एक जैसी हो, उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है. इसका राइट आंसर है पीर. पीर यानी कि हम मर्तबा, या इक्वल इन रैंक, इक्वल इन मेरिट और इक्वल इन क्वालिटी. और जो वर्ड कंटेम्प्रेरी है, कंटेम्प्रेरी कहा जाता है हम उम्र या उसके जमाने का. और जो वर्ड कुलीग है, कुलीग कहा जाता है हम मनसब या हम पेशा. और जो वर्ड चम है, चम कहा जाता है साथ रहना, या जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके लिए भी हम वर्ड चम का इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है. अ पर्सन वो प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज देन ही रियली हैज. जो वर्ड प्रिटेंड्स है, प्रिटेंड्स कहा जाता है जाहिर करना. इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स उसमें वो क्वालिटीज ना भी हो और वो ये कहे कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है. इसका राइट आंसर है चार्लटन. इसको मजीद समझने के लिए आप इसको नीम हकीम या झूठा डॉक्टर भी कह सकते हैं. अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव स्पेशल नॉलेज और स्किल. यानी कि जिस चीज का उसके पास इलम नहीं है, वो फिर भी कहे कि मैं ये चीज कर सकता हूं, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है चार्लटन. नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है. वन वो सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर अ कॉज. यानी कि जो किसी एक खास मकसद के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है उसको क्या कहा जाता है. इसका राइट आंसर है मार्टियर. बीइंग टू एन एंड, इसका क्या मतलब है. बीइंग टू एन एंड कहा जाता है फिनिश को. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. पर्सन वो गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट. जो वर्ड टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी कहा जाता है शहादत देना या गवाही देना. अब शहादत या गवाही किस तरह की हो, रिटन यानी कि लिखकर जो चीज उसने दे दी, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज की जाती है. इसका राइट आंसर है डिपोनेंट. डिपोनेंट कहा जाता है तहरीरी शहादत देने वाला. और जो वर्ड अपीलेंट है, अपीलेंट कहा जाता है अपील करने वाला या किसी अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने वाला. विटनेस जो होता है, विटनेस को हम गवाह कह सकते हैं या आईनी शहद का कह सकते हैं. और जो रिटर्न टेस्टिमनी देगा, जो लिखी हुई शहादत देगा, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है डिपोनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल एट अ लेक्चर आर कंसर्ट. कि जो लोग लेक्चर में या कंसर्ट में बैठे हुए हैं उनको क्या कहा जाता है. कंसर्ट कहा जाता है पब्लिक परफॉर्मेंस, एज अ म्यूजिक भी कह सकते हैं या डांस की भी कह सकते हैं. इसका राइट आंसर है ऑडियंस. जो वर्ड मोब है, मोब कहा जाता है हमला करना या जमा करना. और जो वर्ड स्पेक्टेटर्स है, स्पेक्टेटर्स कहा जाता है तमाशाई, यानी कि तमाशा को देखने वाले. और जो वर्ड कॉन्ग्रीगेशन है, कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है इज्तमा, जलसा या मजलस वगैरह. नेक्स्ट क्वेश्चन टू कम एज अ सेटलर इन टू एन अदर कंट्री. यानी कि जो शख्स किसी दूसरे मुल्क जाकर सेटल हो जाता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है. इसका राइट आंसर है इमिग्रेट. IMMIGRATE. इमिग्रेट गैर मुल्क में जाना, लेकिन जो वहां जाके मुस्तकल सुकूनत इख्तियार कर लेता है, मुस्तकल तौर पर वहां पे रह जाता है, उसके लिए वर्ड इमिग्रेट का
यूज किया जाता है। और जो ई वाला इमिग्रेट है, इसको कहा जाता है कि अपना वतन छोड़ना लेकिन मुस्तकल सुकूनत इख्तियार ना करना। माइग्रेट हिजरत को कहते हैं और अल्टरनेट जो है ये मुतबादल को कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी कीमती राय से कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।